नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। भाई आज के वीडियो में मैं अपनी पीसी बिल्ड, इनफैक्ट मैं अपनी पहली डेस्कटॉप पीसी बिल्ड कर रहा हूं, और मैं उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। मैंने अपने गेमिंग चैनल में इसके बारे में ऑलरेडी बात किया हुआ है, पर मेरी गेमिंग चैनल जो है वो अंग्रेजी में मैं वीडियोज डालता हूँ वहां पे, तो यहाँ पे मैं हिंदी में अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो आज के इस वीडियो में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नंबर वन, मैं अनबॉक्सिंग करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये कहाँ से ली है, कितने में ली है, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, और एंड में मैं अपनी ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊंगा। जनरली जब वो शिपमेंट भेजते हैं वो क्या करते हैं कि शिपमेंट को दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ग्राफिक कार्ड एक एक्सपेंसिव कॉम्पोनेंट है, तो इंश्योरेंस के लिए वो ग्राफिक कार्ड को निकाल के अलग से भेजते हैं और अपने डेस्कटॉप बिल्ड को वो अलग से भेजते हैं। कौन? ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज के वीडियो में देने वाला हूं, तो अंत तक जरूर देखिएगा। I'll try to give as much information as possible, क्योंकि अगर आप एक गेमिंग कम क्रिएटिविटी के लिए, यानी आप एक एस्पायरिंग यूट्यूबर हैं, आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, आप थोड़ी बहुत प्रोडक्टिविटी के काम भी करना चाहते हैं इस कंप्यूटर पे, तो ये वाली बिल्ड ना आपके लिए एकदम सही होने वाली है, तो अंत तक जरूर देखिएगा आज के वीडियो को। With that said, let's get started, folks. अनबॉक्सिंग के भी पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि व्हेन यू ऑर्डर फ्रॉम elitehubs.com वो आपको एक गूगल मीट का ऑप्शन भी देंगे, जहाँ पे आप लॉग इन करके अपने पीसी को बिल्ड होते हुए देख सकते हैं। आई थिंक दिस इज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि वो सारा अनबॉक्सिंग जो है वो आपकी नजरों के सामने करेंगे। इससे आपको क्या एडवांटेज मिलेगा? नंबर वन एडवांटेज ये है कि आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा नोइंग कि ये जेन्युइन पार्ट्स यूज कर रहे हैं, और सारे पार्ट्स को वो आपके सामने खोलेंगे, यानी ये ब्रांड न्यू प्रोडक्ट्स हैं, यूज्ड प्रोडक्ट्स यूज नहीं होंगे। सारे जो भी बॉक्सेस होते भी हैं इनके, वो आपको ये शिप करके भेजेंगे, मैं आपको अनबॉक्सिंग में बताऊंगा। और दूसरी चीज जो अच्छी है कि आप देख सकते हैं कि इनका जो प्रोसेस है वो काफी अच्छा प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। सो आपको एक सेकंड पीस ऑफ माइंड भी वहां पे मिलेगा, एंड आई थिंक दिस वाज अ गुड टच फ्रॉम elitehubs.com, एंड आई अप्रिशिएट कि उन्होंने मुझे एक गूगल मीट वाले कॉल पे लिया और ये सारा कुछ मुझे दिखाया अच्छे से। ओके, मैं आपको पूरा अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस एक्चुअली मैं इसलिए दिखाना चाहता था बिकॉज जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं आपको ये डेफिनेटली दिमाग में एक सवाल तो आएगा ही कि क्या ये सही जगह से मैंने ऑर्डर किया है, क्या सेफली ऑर्डर मेरा पहुंच जाएगा, क्या असेंबलीज की अच्छी होगी नहीं होगी। इसलिए मैंने आपको पिछला वाला सेक्शन भी बताया, गूगल मीट वाला, जहाँ पे आप पूरा अपने पीसी को असेंबल्ड होते हुए देख सकते हैं। अच्छी बात ये है कि आपको कुछ भी असेंबली नहीं करना है, तो ना ही तो आपको कोई टूल्स की ज़रूरत है, ना ही तो आपको कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज की ज़रूरत है। अगर आप पहली बार पीसी ले रहे हैं, जैसा कि मैं इस केस में, ये मेरा पहला डेस्कटॉप पीसी है गेमिंग के लिए, तो मुझे वो सब झमेला नहीं चाहिए था, इसलिए आई चोज अ प्री असेंबल्ड यूनिट जो elitehubs.com ने मुझे करके दिया है। बाय द वे, अगर आप सोच रहे हैं elitehubs इतना बोल रहा हूँ, क्या मुझे उनसे पैसे मिले हैं, क्या ये रिव्यू यूनिट है? बिल्कुल नहीं, मैंने पैसे दे करके ये यूनिट को खरीदा है। इसकी कॉस्टिंग मैं थोड़ा सा एंड में आपको बता दूंगा। और रही बात elitehubs की, नो मनी हैज एक्सचेंज्ड हैंड्स, तो ऐसा नहीं कि वो मुझे पैसा दे रहे हैं उनके बारे में पॉजिटिवली बोलने के लिए। आई एम ओनली स्पीकिंग पॉजिटिवली अबाउट देम बिकॉज मेरी एक्सपीरियंस एक्चुअली में पॉजिटिव रही है। अगर आप ये अनबॉक्सिंग भी देख रहे हैं तो आपको समझ आ गया होगा कि इनकी पैकिंग जो है वो काफ़ी तगड़ी है, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बबल रैप किया हुआ है, और ये शिपमेंट जो है वो जनरली दो भाग में भेजते हैं। एंड मैंने इंट्रो में भी ये कहा है और मैं वापस यहाँ पे कह दे रहा हूँ, दो भाग में इसलिए बेचते हैं बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस रीजंस, ताकि अगर गॉड फॉरबिड कोई डैमेज हो गया आपके पीसी यूनिट को या फिर आपके दूसरे ग्राफिक कार्ड को, वो इंश्योरेंस क्लेम कर पाएंगे और आपको एक रिप्लेसमेंट मिल जाएगा विदाउट एनी इश्यूज। हाँ, आपको ये करना है कि जैसा कि मैंने ये अनबॉक्सिंग वाला जो वीडियो रिकॉर्ड किया है, आपको भी वन कट यानी विदाउट एनी एडिट्स आपको ऐसा ही रिकॉर्ड करना है, ताकि आप इसे elitehubs को बेच पाएं। दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस वाली सेक्शन जो है इन दिस वीडियो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिकॉर्ड योर अनबॉक्सिंग सो दैट यू कैन क्लेम एनी डैमेजेस लेटर ऑन। तो ग्राफिक कार्ड अलग से आता है जैसे कि मैंने कहा, और ग्राफिक कार्ड इज जनरली अ प्लग एंड प्ले वाला ऑप्शन, तो बहुत ही सिंपल है, आप प्लग एंड प्ले कर सकते हैं उसे। सारे बॉक्सेस, सारी जो केबल्स हैं वो भी यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। बॉक्सेस इसलिए दिया हुआ है क्योंकि अगेन आप वारंटी क्लेम कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे। इनफैक्ट पावर यूनिट भी आपको सेपरेटली मिलेगा, बाद में आएगा तो घबराइए मत। प्रोसेसर, रैम, सारा कुछ, सारा बॉक्सिंग यहीं पे। एंटीने भी होगा, वो भी लगाना मत भूलिएगा, मैं भूल गया था बट मैं जस्ट इन केस बता दे रहा हूँ आपको। तो ये रहा इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस।
अनबॉक्स करने के बाद ऐसा दिखता है पीसी मेरा। अब पूरा मैंने कनेक्ट कर दिया था इसे। लाइटिंग इसकी देखिए, ये कैबिनेट की लाइटिंग मुझे काफी अच्छी लगी, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट ओवर ब्लोन लाइटिंग, बट एट द सेम टाइम आई वॉन्टेड लाइटिंग लाइक सटल लाइटिंग। आई लव नियॉन ब्लू कलर। तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं, जब लाइट्स वाइट्स आप ऑफ करेंगे सेटअप होने के बाद, ये पूरा ऐसा दिखता है नियॉन ब्लू। आपको क्या लगता है, क्या इसकी कलर काफी अच्छी है, नहीं है? और प्लस अगर आप चेंज भी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। यू कैन हैव मल्टीपल कलर्स ऑप्शंस यहाँ पे, बस एक बटन है ऊपर में कैबिनेट पे ही, आप उसे दबा करके अपने कलर्स को आराम से चेंज कर सकते हैं। सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू थिंक अबाउट दिस कैबिनेट एंड ऑल ब्लैक नियॉन ब्लू ग्लो दैट आई वेंट अलोंग विद एंड आई लव इट। व्हाट आर योर थॉट्स, प्लीज कमेंट बिलो। अब हम चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। मैं इस वीडियो में सारे जो गेम्स हैं मेरे पास वो नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ एक गेम पे फोकस करूंगा, बिकॉज साइबरपंक 2077 जैसे कि आपको मालूम है ये काफ़ी डिमांडिंग गेम है एक, तो इस पे मैं इस वीडियो में इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अब मैंने इस जो गेम को 4K रेजोल्यूशन पे रखा हुआ है, DLSS सुपर रेजोल्यूशन पे है, परफॉर्मेंस मोड पे है, पर रे ट्रेसिंग मैंने पहले ऑन नहीं किया था, मुझे 100 के ऊपर इन 4K है ना FPS मिल रहा था। अब रे ट्रेसिंग ऑन करने के बाद भी मुझे इन द हाई 80s यानी 80+ FPS मिल रहा है। प्लीज नोट कि मैंने फ्रेम जनरेशन यहां पे ऑन करके रखा हुआ है, बिकॉज 4K रेजोल्यूशन ऑब्वियसली पे है, तो इसलिए मुझे फ्रेम जनरेशन की जरूरत होगी। नाउ आई एम कमिंग फ्रॉम एन AMD मशीन, तो AMD मशीन में भी यू हैव FSR, यहाँ पे आपका DLSS चल रहा है, पर इन कंपैरिजन में आपको एक चीज बोल सकता हूँ कि जब आप FSR यूज करते हैं ना, उसमें बहुत सारा शिमरिंग सा एक इफेक्ट होता है, उसमें एलियसिंग इश्यूज है। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई एक्चुअली वांटेड टू मूव ओवर टू एन NVIDIA GPU, क्योंकि फ्रॉम व्हाटएवर आई हैड रेड, फ्रॉम व्हाटएवर आई हैड सीन, मुझे पता है कि जो शिमरिंग एलियसिंग इश्यूज जो मुझे देखने को मिल रहे थे मेरे AMD मशीन पे GPU, यानी मेरे पास एक 6800M था, जो भी एक 12GB ग्राफिक कार्ड है, ये भी एक 12GB ग्राफिक कार्ड है, पर इसमें वो एलियसिंग इश्यूज नहीं है। अब मैं आपको पाथ ट्रेसिंग भी ऑन करके दिखा देता हूं। तो यहां पे रे ट्रेसिंग तो ऑन था, मुझे 80+ FPS यहां पे मिल रहे थे, अब मैं पाथ ट्रेसिंग इन 4K, बाय द वे प्लीज नोट ये 4K पे चल रहा है, ऑलराइट, पाथ ट्रेसिंग इन 4K मुझे 60+ FPS मिल रहा था। Yes, of course, again, I would like to mention that frame generation is on और DLSS चल रहा था, DLSS जो चल रहा था वो performance mode पे चल रहा था, but it looks like a silky smooth image और यहाँ पे देखिए कोई भी aliasing का कोई भी झमेला नहीं है। In fact, मैं ये वाली जो footage है मैं अपने mobile से record कर रहा हूँ, मैंने screen recording नहीं की, screen recording इसलिए नहीं की क्योंकि obviously frames hit खा जाते हैं, इसलिए नहीं। अगर आप एक नीचे में एक्टिवेट विंडोज वाला बटन देख रहे हैं ना, ये वाली जो वीडियो थी मैंने इमीडिएटली पीसी को कनेक्ट किया था, विंडोज भी एक्टिवेट नहीं किया, स्टीम और साइबरपंक को, सॉरी एपिक और साइबरपंक को डाउनलोड किया एपिक गेम स्टोर जो है, और मैंने चला दिया ताकि मैं एक वीडियो बना सकूं आप लोगों के लिए। अब मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहता हूं, आप प्लीज कैरेक्टर के ऊपर में नोट कीजिएगा, यहां पे देखिए वापस से 4K पे है ये, मैं आपको वही बताना चाहता हूं, 4K पे क्राउड डेंसिटी हाई है, बाकी सारी सेटिंग्स हाई है, इनफैक्ट हाई पे मैंने सारे सेटिंग्स रखे हुए हैं। मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ रे ट्रेसिंग ऑफ करके, पाथ ट्रेसिंग ऑफ करके, DLSS सुपर रेजोल्यूशन है, परफॉर्मेंस मोड पे है, और शार्पनेस मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है, यहाँ पे शार्पनेस 0 पे रखा हुआ था बिल्कुल, क्योंकि मुझे वैसे भी एकदम शार्पनेस ज़्यादा पसंद नहीं है। तो सबसे पहले रे ट्रेसिंग ऑफ करते हैं। चलो अब रे ट्रेसिंग ऑफ करके मैं आपको ये कैरेक्टर की इमेज बताता हूँ, और आप कैरेक्टर के चेहरे के शेडोज के ऊपर ज़रा सा फोकस कीजिएगा इस वाले सेक्शन में। देखिए रे ट्रेसिंग ऑन नहीं है, अगर आप कैरेक्टर के शक्ल को देखेंगे, शेडोज को देखिए, उसके शक्ल के ऊपर जो ऊपर से लाइट आ रही है वो कैसे दिख रही है, आप इनफैक्ट उसकी जो शक्ल है वो ठीक से देख भी नहीं पाएंगे। FPS जैसा कि मैं बता रहा था 110 मिल रहा है मुझे इन 4K, दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट, यप 110 के ऊपर इन 4K इन साइबरपंक 2077, दैट इज फिनोमिनल। अब चलो रे ट्रेसिंग भी ऑन कर देते हैं, लेकिन मैं पाथ ट्रेसिंग को यहाँ पे ऑफ करता हूँ, अप्लाई करते हैं और चलो दिखाता हूं मैं आपको क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा सटल डिफरेंस है, स्पेशली इन द लाइटिंग, थोड़ा सा और रोशनी आ गई है अब कैरेक्टर के चेहरे पे, जो एकदम काला सा चेहरा लग रहा था थोड़ा सा और आप बोल सकते हैं खिल गया है, लाइट उसके ऊपर जो पड़ रही है उसके कारण जो चेहरा है थोड़ा सा और खिल गया है बिकॉज ऑफ दैट लाइटिंग, बट दिस इज वाई पाथ ट्रेसिंग मेक्स सच अ बिग डिफरेंस, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। चलो अब पाथ ट्रेसिंग को भी ऑन करते हैं
एंड मैं आपको दिखाता हूँ वाई इट मेक्स सच अ बिग डिफरेंस। अब अगर आप कैरेक्टर को ध्यान से देखेंगे, उसके चेहरे को देखिएगा, पूरा वो कालापन जो है वो चला गया है। एंड दिस इज वाई एनवीडिया के GPUs जो है ये 4070 सुपर मेक्स सच अ बिग डिफरेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं what a big difference it makes and what a great performance I'm getting from this GPU and this configuration. चलो वीडियो को wrap up करते हैं, मैं आपको अपनी configuration बताता हूँ। ये स्क्रीन को अगर आप pause करना चाहते हैं तो बस pause करके देख सकते हैं। प्रोसेसर मैंने आपको दिखा दिया, motherboard कौन सा लिया है, कौन सा RAM लिया है मैंने। यहाँ पे मैं सिर्फ एक चेंज करता हूँ, आई इनिशियली वॉन्टेड टू गो विद Zotac Gaming GeForce, बट लेटर ऑन आई डिसाइडेड टू गो अलॉन्ग विद गिगाबाइट का जो विंडफोर्स वाला है ग्राफिक कार्ड 4070 सुपर, वो मैंने लिया था। तो सारी जो कॉन्फ़िगरेशन है आप elitehubs.com की वेबसाइट पे जाकर के उसकी प्राइसिंग देख सकते हैं। प्राइसिंग कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी डे, सो दिस कैन कम अंडर 150 एज वेल जो टोटल कॉस्ट है। इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का भी कॉस्ट जो है मैंने यहाँ पे साइड पे रखा हुआ है। अगेन इफ यू वांट टू पॉज द स्क्रीन एंड टेक अ गुड लुक एट दिस यू कैन डू दैट, बट प्लीज नो दैट द प्राइसिंग कैन चेंज एवरी डे, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट एंड द प्राइसिंग। ओवरऑल आप 150,000 रुपए में ये कॉन्फ़िगरेशन खरीद सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस प्राइसिंग, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कॉन्फ़िगरेशन, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पर अब हम फटाफट चलते हैं आउटरो की तरफ, बिकॉज आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड प्रीटी मच एवरीथिंग अबाउट दिस कॉन्फ़िगरेशन दैट आई हैव। तो भाई आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई डिड ट्राई टू कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड, पर अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया हो या फिर अगर आपके कुछ सवाल हैं इस पीसी बिल्ड को लेकर के, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, रीच आउट मी, और मैं आपके हर एक सवाल का जवाब जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है। पर आज के लिए इतना ही, इट्स अ रैप फॉर दिस वन। जाने के पहले मेरी ये दरख्वास्त है आप लोगों से, इफ यू कैन जस्ट हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, साथ ही में बेल आइकन भी जरूर दबा दिए, क्योंकि YouTube एल्गोरिथम के साथ वो हेल्प करता है। और बेल आइकन जब आप दबाएंगे ना तो सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे, यानी जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज करता हूँ आपको पता चल जाएगा कि मेरी एक नई वीडियो रिलीज हो गई है। आप जब भी इस वीडियो को शेयर करेंगे तो मुझे YouTube के ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे, एल्गोरिथम ऑफ कोर्स। एंड मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ इन एडवांस फॉर डूइंग ऑल दैट, लाइक सब्सक्राइब, बेल आइकन और शेयर। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।